दिस इज नॉट जस्ट अ प्राइमर बट दिस इज हाईलाइटिंग प्राइमर। हाई यू गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल स्टाइल विथ स्नेहा एंड दिस इज स्नेहा। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिव्यू ऑफ स्विस ब्यूटी हाईलाइटिंग प्राइमर रियल मेकअप बेस। तो ये वीडियो सेकेंड लास्ट पार्ट होने वाला है प्रोडक्ट रिव्यू का। इससे पहले भी मैंने 3 to 4 वीडियो शेयर किए थे एंड इसके बाद भी एक वीडियो आएगा प्रोडक्ट रिव्यू पे। एंड जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़े हैं एंड व्यूअर्स जुड़े हैं, उनके लिए मैं बता दूं, मैं ऐसे ही मेकअप, फैशन एंड रिव्यूज, वॉचेस, इस टाइप के वीडियोज बनाती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए तो, एंड आप कॉमेंट भी कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं इसका रिव्यू। रिव्यू के साथ साथ इसका मैं आपको डेमो भी दूंगी कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आउटर पैकेजिंग की। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ब्राइटन स्किन, मॉडिफाई पोर्स, मॉइस्चराइजिंग एंड न्यूट्रिशियस। तो यहाँ पे आपको इसके क्लेम्स मिल जाएंगे, इसको यूज करने का डायरेक्शन कैसे हो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। काफी ब्लिंगी इसकी पैकेजिंग है जैसे आप देख सकते हो। एंड इसको मैंने खरीदा था 250 या 260 रुपीज में, बट इसका एक्चुअल प्राइस है 349 रुपीज। एंड उसमें आपको मिलेगा 30 ml का प्रोडक्ट एंड इसको आप 2 to 3 years तक यूज कर सकते हो। तो इस तरह के कार्डबोर्ड में आपको मिलेगा ये। एंड जब इसको ओपन करेंगे, दिस इज द एक्चुअल पैकेजिंग। ग्लास की बॉटल मिलेगी आपको एंड गोल्डन कलर का कैप। काफी सुंदर है, काफी यू नो क्लासी लगा इसका पैकेजिंग मुझे, बट ग्लास का है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी फॉलो करते हैं उनको तो पता ही होगा, ये मैंने ऑलरेडी एक ऑर्डर किया था जो मुझसे, मैं जब वीडियो शूट करी थी उसमें टूट गया था, तो मैंने ये सेकेंड बॉटल इसकी परचेज की है। तो क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पसंद था तो मैंने इसको सेकेंड टाइम ऑर्डर किया। इसमें आपको 3 shades मिलते हैं एंड मैंने इसमें से चूज़ किया है 01 नेचुरल टिंट। तो इसमें आपको 3 shades मिलेंगे, एक मिलेगा आपको नेचुरल वाला जो ये है, एक मिलेगा आपको पिंकिश जो थोड़ा पिंकिश टोन में रहेगा, और एक गोल्डन वाला मिलेगा, बट मैंने नेचुरल वाला चूज़ किया। स्विस ब्यूटी का जो हाइलाइटिंग बेस है वो और एक वर्जन में आता है, मैं यहाँ पे आपको पिक लगा दूंगी, वो मेरे पास नहीं है बट जैसे मैंने रिव्यूज और वीडियोस देखे हैं उसके हिसाब से ये ज्यादा बेटर है। अगर आप चाहो तो मैं कंपैरिजन वीडियो भी बना सकती हूँ। वो जो है इसका पहला वाला वर्जन वो थोड़ा सा चंकी है, उसमें थोड़े से ग्लिटर्स ज्यादा है ऐसा मैंने सुना है रिव्यूज में, बट ये वैसा बिल्कुल नहीं है। जिस दिन आप चाहते हो ना कि आपका मेकअप एक विद इन काइंड ऑफ आपको ग्लो मिले, या आप ज्यादा हाइलाइटर अप्लाई नहीं करना चाहते हो बाहर से बट स्टिल यू वॉन्ट कि आपका मेकअप यू नो ग्लोई ड्यूई सा लगे, उस टाइम इसकी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इसे आप यूज़ कर सकते हो, आप अपने फाउंडेशन में इसको मिक्स कर सकते हो एंड देन इसको अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप इसको मॉइस्चराइजर में मिक्स कर सकते हो और वैसे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एंड मैं आपको इसको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो जब इसको खोलेंगे ऐसा एक पम्प पैकेजिंग आपको मिलेगी एंड इस तरह से ये प्रोडक्ट है। आई होप आप देख पा रहे होंगे कैसी इसमें शीन है। एंड इसको ब्लेंड करने पे आप अभी देख पा रहे होगे मेरा हाथ कैसा ग्लोई लग रहा है, एकदम ड्यूई काइंड ऑफ। तो जैसे आपको ये डे वाला मेकअप चाहिए होता है ना कि थोड़ा सा यू नो सनलाइट जब हमारे फेस पे आती है तो थोड़ा सा वो ग्लोई लगता है, यहाँ पे नेचुरल ग्लो लगता है, उसके लिए ये परफेक्ट है। अब क्योंकि ये नेचुरल टिंट है इसका शेड, इसमें कोई यू नो कलर नहीं है, बट अगर आप पिंक वाला लोगे और गोल्डन वाला लोगे तो उसमें आपको एक पिंक और गोल्डन की शीन मिलेगी जो आप चूज कर सकते हो आपके फेस के अकॉर्डिंग। जो मेबिलिन का स्ट्रोबिंग क्रीम आता है एंड मैक का भी एक स्ट्रोबिंग क्रीम आता है, मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को सुना है, जो मैक का स्ट्रोबिंग क्रीम है इसका फॉर्मुलेशन बिल्कुल उसके जैसा है। तो ये आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो एक स्ट्रोबिंग क्रीम की तरह, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। वैसे भी इसका मैं आपको परचेजिंग लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो वहां से। अब मैं इसका आपको डेमो दिखाती हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जब फेस अपना वॉश करते हैं एंड मेकअप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आई अप्लाई माय मॉइस्चराइजर। तो सबसे पहले आज भी मैं वही यूज कर रही हूँ। आप अगर चाहो तो मॉइस्चराइजर को और इसको मिक्स कर सकते हैं देन इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगी कि मैं अलग अप्लाई करूँ, तभी मैं आपको अच्छे से इसको दिखा पाऊंगी। देन मैं अप्लाई करूंगी इनसाइड का प्राइमर। वैसे तो दिस क्लेम्स रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर, तो आपको अलग से प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये अप्लाई करके डायरेक्ट अपना फाउंडेशन अप्लाई करना चाहते हो तो दिस इज फाइन, बट स्टिल टुडे आई विल यूज प्राइमर अलग से। अब अप्लाई करते हैं हमारा मैजिक प्रोडक्ट। तो आई थिंक आप देख पा रहे हो कि ये किस तरह से काम करता है।
ये अप्लाई करने के बाद यू कैन अप्लाई योर फेवरेट फाउंडेशन, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, या फिर आप जो भी चाहते हो अपना मेकअप बेस वो अप्लाई कर सकते हो, देन अपना मेकअप कंटिन्यू कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका जो मेकअप है ना, बिल्कुल जिनको मैट मेकअप पसंद नहीं आता, मैट एकदम फेस, उनके लिए बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। एंड मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए मैंने सेकेंड टाइम इसको ऑर्डर किया है। एंड येस, आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू यू। एक जो नेचुरल ग्लो होता है ना वो प्रोवाइड करेगा, और ज़्यादा चंकी ग्लिटर्स या पार्टिकल्स वैसे भी आपके फेस पे नहीं दिखेंगे। एंड दिस इज नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो गाइज, जस्ट ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा इसीलिए मैंने आपको रिकमेंड किया। एंड येस गाइज, ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ऑन दिस स्विस ब्यूटी हाइलाइटिंग प्राइमर के ऊपर। आई होप आपको पसंद आया हो, एंड पसंद आया तो प्लीज टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट दिस वीडियो। आप एक लाइक कर सकते हो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप नए हो, एंड ऐसे ही वीडियोज देखना चाह रहे हो मेकअप, ब्यूटी, फैशन पे। सो या प्लीज बने रहिए मेरे साथ, एंड मैं आपसे मिलूंगी इसी तरह के एक नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।